आएंगे जी उधर, बहुत बड़ा बड़ा बंदूक लेके रखा हो तो है क्लासमेट है। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप लोगों का झारखंड न्यूज में। देखिए जी, ये जो झारखंड न्यूज है इंटरनेशनल लेवल का न्यूज नेटवर्क है, तो हमसे बच के कोई नहीं जा सकता। कहाँ चल रहे, मास्क लेने चले जी, चलो उठो चलो जाता है। अरे बैठो बैठे लो साहब, बैठो बैठो बैठो। तुम्हें लोग था जी इनको डराया हुआ था, तुम लोग हैं। तुमसे अच्छा तो हमारे कटा है, गोली मारे थे तुम्हें, मारे गई नहीं सर, हम लोग कैसा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। गलत इंटेंशन तुम तो बोले थे इनसे तेल का कुआं खुदवाएंगे जी। सर हम बताएं, हम बताएं, बताओ क्या था ना, आज हम लोग का फेयरवेल दिन था, सब बहुत अपसेट दिख रहे थे, हमने सोचा थोड़ा मनोरंजन कर दें। तुमको तो अभी धरे क्या दिखा रहे तुमको, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा बच्चों का मानसिकता सिर्फ हमें हंसाने का था, लेकिन तरीका गलत था। इस भावपूर्वक स्थिति एवं बच्चों के आखिरी दिन पर हमें कुछ नया सीखने को मिला और अच्छा लगा, धन्यवाद। रास्ता मंजिल का दिखाने वाला वो एक हसीन सफर था, कोई और नाम मत देना उसे, वो मेरा दूसरा घर था। क्यों ना हो एक सफर यार, जो हमारे स्कूल के दिन थे। सुबह इंतजार अपनी बस का करना, फिर पहले विंडो सीट के लिए और फिर विंडो के लिए लगना। एक लंच में आठ आठ हाथ हुआ करते थे हम दोस्त, और सारे साथ रहा करते थे। स्कूल ड्रेस की लाज बेइज्जती करते थे, सारे कांड खुल्लम खुल्ला चीटिंग चुपचाप करते थे। रेवेल के टाइम पे सजना संभलना, मिलते रहने का वादा करना, वो आखिरी प्रिंसिपल की स्पीच पर ताली बजा के उनका स्वागत करना और अगले पल मिलते रहने का वादा करना। ग्रुप फोटो वो आखिरी थी जिसमें हम साथ दिखे थे, सोचा नहीं था जिनके साथ रोज बैठा करते थे उनसे मिलने के लिए अब सिर्फ बात होगी। पहले तो सिर्फ सेक्शन चेंज होने से तड़प जाते थे, पता नहीं था कि अब उनसे मुलाकात भी नहीं होगी। जिस यूनिफॉर्म की हम बेइज्जती करते थे आज उसी यूनिफॉर्म को देखकर हमारी बेइज्जती कम हो जाती है, और जब बचपन में हम किसी बस को देखकर डरते थे आज उसी बस को देख के हमारी आंखें नम हो जाती हैं। हाँ जी पप्पी सेम करते गालियां देना सीख गए, हम टॉपर से पढ़ाई में पीछे थे लेकिन मेमोरीज बनाने में जीत गए। थैंक यू। निक्कर से लेके पैंट तक का सफर, पेंसिल से लेके पैंट तक का सफर, और यानी का भाई मतलब सीखा इधर, इसे कह लो स्कूल या कह लो घर। इनके बातों से बड़े प्रतीक हुआ कि ये तो बड़ा दुखद अनुभव होता है जी, हम तो कभी स्कूल गए नहीं पर इनके बातों से ये लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए झारखंड न्यूज के साथ, मिलते हैं एक नए एपिसोड में, धन्यवाद।